Hello everyone. I'm Shivam Gautam. I'm from Galgotia College of Engineering Technology, and I live in Ghaziabad. I'm currently pursuing my BTech in Galgotia College of Engineering Technology. I got 84 rank this year in GATE. I'm in Computer Science branch, and with me I have we have Anmol, and he'll tell us about him. Hi everyone. My name is Anmol Namdev, and I am from Kotdwar. I'm studying my BTech in final year from Computer Engineering branch. From College of Technology, Pantnagar. And I secured an All India rank of 80 in GATE 2021 in CS stream. So we both have basically gathered here to start our special session today, named as Battle of Brains. And हम दोनों मतलब एक दूसरे से questions पूछेंगे और in fun manner में हम कुछ knowledge अपने viewers को provide करने की कोशिश करेंगे. तो start करते हैं. तो शिवम मैं तुझसे पूछता हूँ पहले, ठीक है? Okay. तो start करते हैं. Okay. कुछ okay. चल शिवम, तो मुझे बता कि ग्रामर्स जो होते हैं कंपाइलर डिजाइन में, उनका मतलब ग्रामर्स के बारे में थोड़ा इलैबोरेट कर कंपाइलर डिजाइन में. देखो, ग्रामर मुझे कभी इंग्लिश में तो समझ में आई नहीं. हम ग्रामर में क्या करते थे, जो इंग्लिश में सेंटेंस सुनने में अच्छा लग रहा है उसको मान लेते थे. हमें पता नहीं पास्ट टेंस, वर्ब, नाउन वगैरह इतना तो कुछ पता वगैरह पड़ा नहीं तो. पर कंप्यूटर में ऐसा नहीं चल सकता. कंप्यूटर में हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्या चल रहा है. तो जैसे कि इंग्लिश में आप सोच सकते हैं कि ग्रामर बताती है कि सेंटेंस लिखना कैसे है और करेक्ट वे क्या है, ऐसे कंप्यूटर में वो बताते हैं कि कैसे लिखना है. जैसे कि ग्रामर में कंप्यूटर में होता है प्रोडक्शन सिंबल और टर्मिनल्स और स्टार्ट सिंबल, ये सब चीजें होती हैं. ये बताता है कि हमें बस सिंटेक्स कैसे करना है. जैसे इफ लूप है, ऐसा अगर आप सी लैंग्वेज कंसिडर करें तो इफ क्या दो ब्रैकेट आना चाहिए. ये कंप्यूटर में फ्री डेटा है उसकी ग्रामर में. अगर आपने दो ब्रैकेट नहीं डाले, आपने कर्ली ब्रेसेस डाल दिए, तो वो उसे एरर भेज देगा कि दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, हमें कुछ और सिंटेक्स मालूम है और आपने कुछ और लिखा है. तो इसका मतलब यह है कि लिखने का एक तरीका है जो ग्रामर, जो कंप्यूटर जैसे पढ़ेगा, जैसे उसकी अपनी लैंग्वेज को रीड करेगा, अंदर कंडीशन होनी चाहिए उस हिसाब से वो करेगा. तो यही ग्रामर के हिसाब से. और अच्छा, चलो मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ अनमोल. ओके अनमोल, ये बताइए कि आप कंपाइलर डिजाइन में वैसे ठीक है? कंपाइलर डिजाइन पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ, कंपाइलर डिजाइन में कोई इश्यूज नहीं है. ओके ओके, अब गेट में आपकी रैंक ठीक है. तो कंपाइलर डिजाइन में आप ये बताइए कि सिक्स फेजेस ऑफ कंपाइलर क्या होते हैं? चलो, ये बहुत बेसिक सा है. देखो, कंपाइलर में जो है चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक वे में चलती है. कभी भी जो कंप्यूटर का जो कंपाइलर होता है उसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत सिस्टमेटिक वे में चलती है. तो कंपाइलर्स जो हैं वो छह फेजेस में, कंपाइलर की वर्किंग को हम छह फेजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है? पहला फेज होता है लेक्सिकल एनालाइजर, दूसरा फेज सिंटेक्स. पहले मैं नेम कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा बेसिक व्यूअर्स को बताऊंगा, ठीक है? तो लेक्सिकल एनालाइजर पहला फेज होता है, उसके बाद सिंटैक्टिकल एनालाइजर, देन सिमेंटिक एनालाइजर, उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, फिर कोड ऑप्टिमाइजर और कोड जनरेशन, ठीक है? ये छह फेजेस होते हैं हमारे कंपाइलर में बेसिकली. तो शुरुआत किससे होती है? जैसे हमने कोई भी कोड लिखा है तो पहले कंप्यूटर क्या करेगा, उस कोड को एक बार ऊपर से रीड आउट कर लेगा और देखेगा कि उसमें क्या क्या चीजें, ठीक है? ये है, ये है, ये है, वो बेसिकली ऊपर से रीड आउट करना. कितने, जैसे जो एक, जैसे ब्रैकेट हो गया या कोई वर्ड हो गया या कोई हमने कोई आइडेंटिफायर लिखा, तो वो उनको वो टोकन्स कहता है कंप्यूटर हमारा, ये कंपाइलर हमारा. तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, उन टोकन्स को आइडेंटिफाई करता है. फिर फर्दर सिंटेक्स एनालाइजर क्या करता है, देखता है कि वो टोकन सही वे में जुड़े हुए हैं या नहीं. जैसे इंट, कोई भी आइडेंटिफायर जो होता है तुम्हारा, वो किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा है तो अंडरस्कोर या अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए. तो वही सब काम तुम्हारा सिंटेक्स एनालाइजर देखेगा. फिर सिमेंटिक एनालाइजर देखेगा कि तुमने सही टाइप के डेटा टाइप में सही वैल्यू डाली है या नहीं. जैसे तुमने फ्लोट बनाया और वहां पर कैरेक्टर टाइप तुम डाल रहे हो तो डेफिनेटली वो गलत चीज है, तो वो सिमेंटिक्स चेक करेगा सिमेंटिक एनालाइजर. फिर क्या होता है, अब इतना सारा कोड है कंप्यूटर को एक बार में तो समझ नहीं आएगा, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको थ्री एड्रेस कोड में डिवाइड कर देता है. तो वही इंटरमीडिएट कोड कंप्यूटर बना लेता है ताकि आप खुद को समझ खुद समझ पाए. उसके बाद वही इंटरमीडिएट कोड को फर्दर छोटा किया जाता है, दैट इज कोड ऑप्टिमाइजर. उसके बाद उस ऑप्टिमाइज्ड कोड को मशीन कोड, वो असेंबली लैंग्वेज कोड या मशीन लैंग्वेज कोड, जो भी जिस टाइप का भी कंपाइलर है, उसको कन्वर्ट करेगा कोड जनरेटर के थ्रू. तो ये हमारे छह फेजेस होते हैं कंपाइलर में. जो आपने ये बोला टोकन, मतलब मुझे आज तक टोकन और टोकनाइजेशन ये सब बहुत हमेशा कंफ्यूजिंग लगा था, इसकी डेफिनेशन की लेक्सिकल क्या, मतलब हाँ हमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज दी ना. मैंने बताऊं, मैंने ये टोकन्स वाले जो क्वेश्चंस नहीं होते इसमें टोकन्स काउंट करने होते, डेफिनेटली यार कहीं ना कहीं हमेशा गलत होते हैं. या फिर जब वो पूछ लेते हैं डेफिनेशन क्या है टोकन की, लेक्सिमे की, स्ट्रिंग की, वो सब बहुत कंफ्यूजिंग था बहुत कंफ्यूजिंग सही में, हमेशा ही ऐसे ही जाता था. थैंकफुली गेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं गेट में, थैंकफुली और गेट में क्वेश्चन नहीं आया. हाँ चलो फिर तुम्हारे से कुछ मैं पूछता हूँ.
अच्छा कुछ तो जैसे कंपाइलर्स में डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ्स होते हैं, डैग्स जिसे कहते हैं, हाँ तो उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना करना जैसे जरा। कंपाइलर में तो डैग होते हैं, असल में मैं कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज की या दोनों की भाषा में आपको बता रहा हूँ डैग होता क्या है। डैग क्या, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, इसको आप तोड़ के देखिए। डायरेक्टेड डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन है एजेस का, एज बाई डायरेक्शनल नहीं यूनिडायरेक्शनल है, ए टू बी एच जा रही है तो ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, मतलब एक डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। ए साइकिल, ए साइकिल मतलब उसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और ग्राफ तो ग्राफ ही है। तो डैग्स का यूज क्या है, डैग्स यूज आता है कि आपको रिलेशनशिप बताने के लिए चीजों की, कि आप जैसे टोपोलॉजिकल सॉर्ट में आपका एक ऑर्डर होता है, पहले आप इन डिग्री जीरो वाले को पॉप करते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो डैग्स इन चीजों में यूज होता है, जैसे कोड आप कंपाइलर डिजाइन की बात करें तो कोड ऑप्टिमाइजेशन में, कि जैसे रिडंडेंट कोड को बार बार ना एग्जीक्यूट करे, उसी को दोबारा यूज कर ले, तो इसे कोड ऑप्टिमाइजेशन में डैग्स यूज हो जाते हैं। हाँ डैग्स इतना ही है, बाकी तो, हाँ डैग्स इतना ही है। चलिए मैं पूछता हूँ सनबोल, आप चलिए। बताइए कि टॉप डाउन पार्सर क्या होता है। अरे देख, टॉप डाउन पार्सर का ऐसा है ना, मतलब देख, जैसे हमारे पास किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर से सिंटेक्स पार्सर क्या होते हैं, सिंटेक्स एनालाइजर होता है, ठीक है। वो देखता है कि कंप्यूटर में जो सिंटेक्स लिखा हुआ है प्रोग्राम में वो सही है या नहीं है। अब पार्सिंग की टेक्निक्स होती हैं दो, टॉप डाउन और बॉटम अप। अब टॉप राइट डाउन का ऐसा सीन है कि क्या बोलते हैं, जैसे तुमने हमें स्टार्ट, जैसे हमारे पास हर एक चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ग्रामर है। जैसे हमें पता है अगर आइडेंटिफायर है, अगर कोई चीज़ आइडेंटिफायर है तो उसके लिए आइडेंटिफायर होने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक ग्रामर होगी। तो वही ग्रामर हम उसके स्टार्ट सिंबल से शुरू करेंगे, और जिस स्ट्रिंग को हम एग्जामिन कर रहे हैं अभी पॉइंट इन टाइम में, हम देखेंगे कि अब क्या वो उस स्टार्ट सिंबल से डिराइव हो सकती है, यानी कि हम स्टार्ट सिंबल से शुरू करके अपनी उस स्ट्रिंग पे पहुंचेंगे। तो वही हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप डाउन पार्सिंग। तो इस तरीके से ये एक मतलब वे है कि जिस तरीके से हम सिंटेक्स एनालाइजर एक पर्टिकुलर वे में काम करते हैं, जैसे टॉप डाउन। दूसरे की अगर हम बात करें बॉटम अप पार्सर, इसके जस्ट उल्टा। तो बॉटम अप में क्या होगा, हम वो स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग में जो ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स होंगे उसके हिसाब से उस स्ट्रिंग को रिड्यूस करके स्टार्ट सिंबल पर अगर हम आ जाते हैं तो वो स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर ग्रामर से सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि वो सिंटेक्स के हिसाब अच्छा से सही है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से अच्छा दोनों टॉप डाउन पार्सर बॉटम अप पार्सर काम करते हैं। अच्छा सही। अब मैं बात करूं कि ये मतलब बहुत टाइप्स के भी होते हैं, जैसे बहुत मतलब ये कंपाइलर के सिलेबस में ही है, जैसे टॉप डाउन पार्सर विद बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग में क्या होगा कि अगर तुम्हारी स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन लेके नहीं आई तो हम पीछे जाएंगे, फिर दूसरी प्रोडक्शन लेके करेंगे डेराइव। सही। इस तरीके से बैक ट्रैकिंग हो जाएगी। विदाउट बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, अब विदाउट बैक ट्रैकिंग में होगा ऐसा कि तुमने दो तरीके होते हैं, तो रिकर्सिव डिसेंट या नॉन रिकर्सिव डिसेंट। हाँ नॉन बिल्कुल। रिकर्सिव डिसेंट में वही फंक्शन कॉलिंग की मदद से हम करते हैं, एक प्रोडक्शन रूल के अंदर दूसरा अगर नॉन टर्मिनल सिंबल होगा तो उसका फंक्शन डाल देंगे। इस तरीके से रिकर्शन के फॉर्म में होगा। नॉन रिकर्सिव डिसेंट हम LL1 पार्सर जो यूज करते हैं वो हमारे नॉन सही, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर्स होते हैं। पार्सिंग टेबल ऐसी होती है बॉटम उनकी। अप पार्सर ऑब्वियसली पार्सिंग टेबल उनमें होती है। बिल्कुल। यही यार, पार्सिंग टेबल वाले क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं सही में। अगर उनमें आ जाए तो तो पेज उनका फर्स्ट निकालो फिर फॉलो निकालो। ही भर जाए, वो तो अच्छा है छोटे छोटे क्वेश्चन हाँ आए, बड़े वाले आते तो पूरा पेज ही उसमें भर देते, अरे बहुत और दिक्कत हो जाती एक भी एलिमेंट छूट गया तो बस पूरा खत्म। बस, फिर तो दिक्कत है, और ऊपर से फिर तो मल्टीपल ब्लंडर हो चॉइस, जाएगा। और मल्टीपल चॉइस जब आ जाते हैं तो आपको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो आपको पूरी DFA फेज बनानी हाँ पड़ती थी, तो वो बहुत पूरी दिक्कत है। पूरी पूरी वही बहुत दिक्कत, ओ वही लेंदी हो बहुत जाते हैं, उसी की वजह से बहुत टाइम मैं, मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। वो तो मैं देखते ही छोड़ देता था गेट के ओवर में। आगे चलो एंड में आके देखेंगे, टाइम चलो बचा तो और आगे बाद में देखेंगे। वही यही उसका तो यही चीज। अच्छा पूछे, आप कुछ हाँ। तो पूछे। यार पाइपलाइनिंग मेरे ख्याल में COA बहुत हो गया, तो थोड़ा वो कंपाइलर डिजाइन बहुत हो गया, तो थोड़ा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा तो अच्छा पाइपलाइनिंग के बारे में कुछ बताओ यार। पाइपलाइनिंग तो ऐसा है कि देखो, हम अच्छी खासी हमारी जिंदगी चल रही थी, COA छोटा चल रहा था, जब नॉन पाइपलाइन था पाइपलाइन लगाना था, पाइपलाइन सिलेबस बड़ा हो गया। ज्यादातर बच्चों की दिक्कत होती है पाइपलाइनिंग में, कि पाइपलाइनिंग में बहुत कंसेप्ट आ गया हजार्ड वगैरह, पर पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि देखो पाइपलाइनिंग में क्या है ना, जैसे कि मान लो आपका एक इतना बड़ा एक स्टेशन था जो 5 सेकंड लेता था एक चीज को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। अब पाइपलाइन में हमने क्या किया, उसी टास्क को 5 हिस्से में कर लिया और उसी स्टेशन के 5 हिस्से कर लिए, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स बना लिए, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, और इंडिपेंडेंट और इनपुट साइज को भी 5 हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो अब क्या है कि हर एक हिस्सा मान लो 1 1 सेकंड ले रहा है, तो 5वें सेकंड के एंड में पाइपलाइन प्रोसेसर में एक टास्क एग्जीक्यूट होगा नॉन पाइपलाइन की तरह, पर 6वें सेकंड में दूसरा हो गया होगा, 7वें में तीसरा हो गया हो होगा, ऐसे तीसरा हो चलता गया जाता होगा। है, वो CPI 1 हो जाता है उसका। पर नॉन पाइपलाइन में CPI हमेशा उसके बराबर रहता है, इंस्ट्रक्शन साइज के बराबर, इंस्ट्रक्शन साइज। वही वही पाइपलाइन वही में फिर पाइपलाइन में हजार्ड आ गए, फिर कंपाइलर का ये आ गया, फिर वो आ गया, फिर वो एफिशिएंसी आ गई, तो बहुत लंबा उसमें है। बहुत हाँ लंबा है, डेफिनेट पर पाइपलाइन इंटरेस्टिंग लगी मुझे थोड़ी, और अच्छी चीज लगी। इंटरेस्टिंग है डेफिनेटली। अच्छा हाँ वो इंटरेस्टिंग तो है। हाँ अनु तुम मुझे अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताओ, तुमने कैसे प्रिपेयर किया।
यार प्रिपरेशन देखो, मैंने ना मैं फरवरी 2019 में शुरू करी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैंने डीएलसी पकड़ा, सब कहते थे इजी सब्जेक्ट है यार, डीएलसी कर दो फटाफट। अब कहते तो इजी सब्जेक्ट थे यार, मुझे लग गए 3 महीने उसे कंप्लीट करने में, वो जो बोलते पर हैं साथ होता वो पढ़े नहीं अभी शायद। नहीं है ना, सही बात है। तो मेरे को 3 महीने लग गए यार उसे कंप्लीट करने में, और अराउंड मई के बाद, मई जून के बाद हमारी वो हो जाती है समर वेकेशन। फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत धीरे चल रहा है, तो फिर मैंने इंक्रीज करी पेस को अपने। उसके बाद मैंने शायद समर ब्रेक में 4 सब्जेक्ट्स और कंप्लीट कर लिए, टीओसी, कंपाइलर, एल्गोरिथम, डीएस। तो उसके बाद फिर कॉलेज खुल गए, फिर से वही वापस पेस आ गई वही वाली। फिर साल के अंत में 2 सब्जेक्ट और कंप्लीट हो गए, डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम। और मतलब मेरा ऐसा रहता था कि यार जब भी कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करो ना, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ लगा लो, पता है बहुत हेल्प होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि ना तुम्हें पता पैटर्न चल पता जाता है चलता कि गेट में क्वेश्चन, हाँ गेट में क्वेश्चन कैसे आने वाले, तुमको पता आने चल वाले जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली। उस तरीके से। तुमने, मैंने अराउंड मई के, मई 2020, जून 2020 के आसपास सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। फिर यार अपना लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत हेल्प हुई लॉकडाउन से, कुछ भी कहो, अच्छा मतलब हेल्प देश के हुई लिए भले ही बुरा था, हेल्प हमें बहुत हुई अच्छा यार। सही में, घर से बाहर अच्छा निकलना नहीं होता, घर से बाहर निकलना नहीं होता। सही है तो उसके बाद घर में रहो, पढ़ते रहो, कुछ कर लो, पढ़ते रहो, फिर मतलब अल्टीमेटली पढ़ना ही होता था, ठीक है। तो फिर अच्छा। जून के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर वही टेस्ट सीरीज और रिवीजन शुरू करा। रिवीजन करो या मतलब वही है कि अपने कॉन्सेप्ट को जितना तुम स्ट्रॉन्ग करोगे उतना बढ़िया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार लगाए, डेफिनेटली बेसिक लगाने भी तो चाहिए, हर किसी को लगाने चाहिए। बिल्कुल और एग्जैक्टली फिर एक बार पूरे पूरे पेपर लगाओ प्रीवियस ईयर के ना, लगातार बैठ के 3 घंटे। टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है किस तरीके का पेपर पैटर्न आता है। सही बात है। बाकी आईआईटी बॉम्बे ने तो हम सबको हिला ही दिया यार, सबके पेपर मेरी में आए एक एक एमएसक्यू हमारे को सब। मैं तो हर दूसरा क्वेश्चन एमएसक्यू देख रहा था अपने पेपर में। एमएसक्यू इतने आ गए इस बार, एमएसक्यू में बहुत हालत खराब कर दी। क्योंकि फिर हाँ पता है सही में एमएस एमसीक्यू में क्या, अगर आपको एक ऑप्शन सही मिल गया तो ठीक है आगे बढ़ जाओ, पर एमएसक्यू में सब चेक बस करो, और एक में भी डाउट है सब तो आप चेक सिलेक्ट नहीं करो, कर सकते ऑप्शन, वही वो सही बात है। दिक्कत है। हाँ हाँ मेरी हाँ मेरा तो थोड़ा, तुम्हारा लॉकडाउन अच्छा गया, मेरा लॉकडाउन बहुत खराब गया। मेरी जो किताबें थी वो क्यों, मेरी कॉलेज में हॉस्टल में ही रह गई वहीं, और थर्ड ईयर में मैं थोड़ा अरे बहुत अरे पढ़ा था, बाकी फोर्थ ईयर में तो मतलब लॉकडाउन की वजह से हमारे घर में बहुत डरे हुए थे तो हमें किताबें लेके नहीं आया। फिर मैं अक्टूबर नवंबर के अराउंड मैंने तैयारी चालू करी है, पहले का जो पढ़ रखा था फिर रिविजन किया, फिर जैसे तुमने कहा टेस्ट सीरीज लगाओ और अच्छा। प्रीवियस ईयर के वही सब किया, बस मेरा बहुत डिले हो गया था, मेरी स्ट्रेटेजी बहुत गड़बड़ हो गई थी, बट ठीक है एवरीथिंग वर्कआउट वेल, तो सही है, हाँ अंत बोला तो सब बोला। हाँ फाइनली फाइनली जब रिजल्ट अच्छा हो तो नहीं देखते हैं। हाँ फिर सब ठीक है, अगर नहीं हुआ हो तो सब कहते हैं भाई गलत किया तुमने, पहले बढ़ना चाहिए था, तो वही सब। हाँ गलत किया, वही वही ना। चलो फिर वही पूछता हूँ मैं तुमसे, चलो हाँ ठीक है, चलो IEEE रिप्रेजेंटेशन 754 वाली तो हमने सबने देखी है, वो सामने रिप्रेजेंटेशन है, तो उसमें फ्लोटिंग हाँ पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में कितनी बिट्स यूज होती हैं? यार देख, दो दो टाइप होते हैं ना। IEEE 754 ने अपने दो प्रिसीजन फॉर्मेट निकाले थे, एक तो सिंगल प्रिसीजन बिल्कुल। फॉर्मेट हो गया, एक डबल प्रिसीजन फॉर्मेट हो गया। अब सिंगल प्रिसीजन में उन्होंने निकाला 32 बिट का फॉर्मेट, और डबल प्रिसीजन में उन्होंने निकाला 64 बिट का फॉर्मेट, ठीक है। मतलब 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहां पर 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब उनमें उनका ब्रेकआउट उन्होंने ऐसे किया कि 32 बिट वाले में 1 बिट तो दे दी साइन बिट को, 8 8 दे दी एक्सपोनेंट को, और बची भी 23 बिट दे दी उन्होंने मेंटिसा को। दूसरी तरफ डबल प्रिसीजन में उन्होंने ऐसे किया, 1 बिट साइन को दे दी, 11 बिट वो क्या कहते हैं एक्सपोनेंट को दे दी, और 52 बिट तुम्हारी मेंटिसा को दे दी। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो भी तुम्हारे मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का रिप्रेजेंटेशन था वो एक स्टैंडर्ड पे अब बेस्ड हो गया था। मतलब कोई भी कैसे भी रिप्रेजेंट नहीं करता था, स्टैंडर्ड बीच में आ गया, तो डेफिनेटली अब उनका रिप्रेजेंटेशन फर्दर इजी हो गया। सही बात, तो वही यार, इन सब चीजों से स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है, कंप्यूटर में स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए ही होती है, वरना मैं किसी फॉर्मेट पे लिखूं डेफिनेटली अगला यूएसए में कोई और किसी फॉर्मेट से लिखे तो डेफिनेटली दिक्कत हो जाएगी। सही बात, डेफिनेटली डेफिनेटली अगर ये ऐसी गेट सीरीज प्रिपरेशन में स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए। मतलब उनको चाहिए कि स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, की प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, करने ही करने हैं, वो इस टाइप के गोल्डन रूल था वो, स्टैंडर्ड्स तो बने हुए हैं, गोल्डन रूल था बन गया गोल्डन रूल्स। ऐसे। ये सीओए मैंने हाँ सुना है बच्चे कहते हैं बहुत हार्ड है, पर मैं तो ऐसे कहूंगा कि अगर सीओए को समझा जाए ना कि अगर असल में ये जैसे तुमने बताया तो आई बहुत ट्रिपल बहुत सेवन सटे, फिफ्टी फोर है क्यों, अगर ये आदमी को पता हो तो पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है, किसका कंसेप्ट क्या है, रियल में डेफिनेटली। क्यों लाई गई। हाँ तो ऐसे कुछ सही हाँ है, कंसेप्ट कंप्यूटर हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा पूरा लॉजिकल अगर समझ के पढ़ा वही जाए तो। पूरा लॉजिक। सही बात है। यार एक 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 चीज में ना, एक कॉन्सेप्ट में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, मैंने देखा। मतलब मेरे पियर्स भी हैं जो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है उनमें, वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। थोड़ा अपना हमारे व्यूअर्स को यार एक्सप्लेन करो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में।
ये जो डायनामिक एक्सेस जो अपना डीएमए मॉड्यूल है, असल में ऐसा है कि अपना जो सीपीयू है उस पर सिस्टम बस होती है। अब जो अपना सीपीयू है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, और जो अपने सेकेंडरी मेमोरी होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस की स्पीड ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बहुत स्लो है। तो अगर सीपीयू इन्वॉल्व करेगा एक्सेस में कि इनपुट डिवाइस माउस पे क्लिक किया तो वो रजिस्टर किया जाए, तो उसमें उसे बहुत टाइम वेस्ट होगा क्योंकि माउस की स्पीड है ट्रांसफर की बहुत स्लो, बफर जब भरेंगे और वो सेकेंडरी मेमोरी में लोड करेगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, स्पीड गैप जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसमें हम बीच में यूज करते हैं डीएमए मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या करती है कि अगर कोई भी काम है सीपीयू को, जैसे कोई इनपुट आया, कुछ इनपुट इंटरप्ट आया, तो वो क्या करेगा, सीपीयू डीएमए मॉड्यूल से कहेगा कि तुम इनपुट कलेक्ट करो, तब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ। डीएमए मॉड्यूल इनपुट कलेक्ट करता रहेगा, जैसे ही वो बफर फुल हो जाएगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है अपलोड करने के लिए, में वो सीपीयू से कहेगा कि मुझे अपना एक्सेस दे दीजिए सीपीयू सिस्टम बस का। तो सीपीयू क्या करेगा, उस टाइम वो खाली नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, अपने जो टेम्प्रेरी जो ऑपरेशन है उन्हें एग्जीक्यूट करता रहेगा, और डीएमए मॉड्यूल को टेम्प्रेरी सिस्टम बस दे देगा। डीएमए मॉड्यूल वो ऑपरेशन तब तक वो डेटा जो है सेकेंडरी मेमोरी में फीड करेगा और डीएमए मॉड्यूल सिस्टम बस वापस दे देगा। तो डीएमए मॉड्यूल का यही काम है कि वो सीपीयू के इंट्रैक्शन के बिना डेटा ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम आईओ टू सेकेंडरी मेमोरी, बस ये। इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं सेकंड गेट में, इसके हाँ तो वही हाँ इसके डेटा क्वेश्चन है। रेट एग्जैक्ट, निकालना वगैरह बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो मैंने तो गीक वो गीक से थोड़े बहुत कोई आर्टिकल पढ़े लैंग्वेज थे। हाँ कंफ्यूज करते, लैंग्वेज कंफ्यूज लैंग्वेज कर देते। कंफ्यूज कर देते थे एग्जैक्टली, तो बस वही यही है कि ना। एक्सपीरियंस होना हाँ चाहिए कि आपने इतने क्वेश्चन किए हैं कि आपको पता है कि इस हाँ लैंग्वेज का मतलब क्या है। तो सब कुछ मेरे डेफिनेट ख्याल से थ्योरी नहीं, डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन कितने लगाए हैं, उस पर डिपेंड क्वेश्चन करता है। जितने, बिल्कुल सही बात। एक एक चीज मैंने देखी है कि बच्चों को मतलब इस बात की मतलब सिर्फ डेफिनेशन पता होती है पर रियल में पता नहीं होता होता क्या है। जैसे टेम्पोरल और होता क्या स्पेशल लोकेलिटी है, ये क्या है ये। ये मतलब दोनों बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, पता है, हाँ हाँ मतलब बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट, रियल लाइफ के बेसिस है, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जैक्टली के एग्जैक्ट, बेसिस पे। अब ऐसा मतलब माना जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं कि जो 90% कंप्यूटर अपना टाइम देता है, अपना सीपीयू जो देता है कंप्यूटर, वो किसी प्रोग्राम के केवल 10% हिस्से को ही देता है हमेशा। मतलब उस प्रोग्राम का 10% हिस्सा को कंप्यूटर का 90% अटेंशन मिलता है। तो वही है कि हमें भी कोई चीज़ अगर अच्छी लगी तो डेफिनेटली हम उसका अपना मैक्सिमम टाइम उस चीज़ को देना चाहेंगे। और फर्दर हम अगर कोई हमसे बोले कि तुम इसके बाद क्या करोगे, डेफिनेटली मैं उसी चीज़ को मतलब रेफर करूंगा दोबारा से। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर है, दो चीज़ों में इसको मतलब कि यही चीज़ की जो कंप्यूटर अपना मैक्सिमम टाइम एक पर्टिकुलर चीज़ को दे रहा है तो उसको हम कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पर ये बिल्कुल दोनों दो डिफरेंट आ जाती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, तो टेम्परल लोकेलिटी हो गई और एक स्पेशल लोकेलिटी हो गई। तो टेम्परल लोकेलिटी में क्या होता है कि जैसे कोई इंस्ट्रक्शन अभी फर्दर कंप्यूटर ने लिया है एग्जीक्यूशन के लिए, या अभी कोई इंस्ट्रक्शन उसने लिया है, तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद वो दोबारा उसी इंस्ट्रक्शन पे आएगा लेने के लिए। मतलब सेम इंस्ट्रक्शन अगर दोबारा रेफर होगा तो उसको हम टेम्पोरल लोकेलिटी कह देते हैं। अब ठीक है स्पेशल लोकेलिटी का क्या होता है, अब इंस्ट्रक्शन है, मैंने कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन लिया तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि उसके आसपास वाले इंस्ट्रक्शन भी फर्दर दोबारा रेफर हो सकते हैं, तो वो हो गई स्पेशल लोकेलिटी। यानी कि एक ठीक स्पेस पे उसका रेफरेंस डिवाइड हो गया। टेम्पोरल यानी कि वही इंस्ट्रक्शन दोबारा रेफर हो सकता है। तो इस तरीके से सिंपली हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये जो आपने तरीका बताया ये बहुत अच्छा है कि 10% हमेशा वो यूज करता, पर ये लोग पता है सिर्फ डेफिनेशन से याद कर लेते हैं ऐसे, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं रहता। जैसे तुम बता रहे हो तुमने थर्ड डेफिनेटली ईयर में पढ़ा और फोर्थ ईयर में रिवाइज किया, तो तुम्हें मोस्ट कंसेप्ट पता थे क्योंकि तुमने रियल लाइफ से हाँ रिलेट किए कि हम जो काम करते हैं 10% डेफिनेटली में इंटरेस्ट आता है। तो ऐसे ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब कि रियल लाइफ से वही रिलेट करो बिल्कुल जितना हो पाए। रियल लाइफ से रिलेट करो जितना हो पाए। याद हो पाता है, हाँ वर्चुअल मैपिंग करो चीजों की, वो अच्छा रहता है। हाँ अच्छा तो यार एक कंपाइलर में एक वो आया, पता है इस बार वो भी तो आया था, एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया था हमारे पास कंपाइलर में, लूप ऑप्टिमाइजेशंस का। ऑप्टिमाइजेशन, हाँ तो हाँ हाँ उसमें बच्चों को बहुत बहुत दिक्कत है। हाँ तो लूप ऑप्टिमाइजेशन के लिए बारे में यार थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बोलो, एक ओवरव्यू देखो टाइप ही किस तरीके से होता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है, जो आपने चीज लिखी है, जो कोड लिखा है, वो थोड़ा रिडंडेंट है और वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है अदर देन नेसेसरी। यही चीज हम जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करते हैं कि आपके एल्गोरिदम जो है पॉलीनोमियल टाइम की है, आप उसे लीनियर टाइम में करिए, लॉगरिथमिक टाइम में करिए, ऐसी चीजें। पर ये जो एल्गोरिदम का हो गया, पर कंपाइलर जो है कंपाइलर नहीं समझता, उसे जो कोड दिया वो एग्जीक्यूट करेगा वो। तो ये ह्यूमन डेफिनेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम जो कोड लिख रहे हैं उसे ऑप्टिमाइज वे में लिखें। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, आपने एक फॉर लूप चलाया एक चीज को कुछ करने के लिए, सम करने के लिए एक चीज को, और आपने वो 10 लाख बार चलाया एक लूप, फॉर आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन 10 लाख, आई प्लस प्लस, और उसमें आपने एक कंडीशन डाली है टेम्प इज इक्वल टू कुछ 0, हर बार टेम्प इज इक्वल टू आप 0 करते गए, तो आप टेम्पररी वैल्यू में 0 बार बार ओवर राइट करे जा रहे हैं जिसका कोई यूज नहीं है। इससे अच्छा फॉर लूप के बाद एंड में फॉर लूप के बाहर लिख देते टेम्प इक्वल टू 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने 10 लाख बार उस चीज को एग्जीक्यूट किया तो वो कंपाइलर नहीं पकड़ पाएगा, कंपाइलर के हिसाब से उसे एग्जीक्यूट करना है।
तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसे कहते हैं लूप टू ऑप्टिमाइजेशन, कि आप लूप के अंदर का जो काम है उसे मिनिमम रखें और जो नेसेसरी काम है रिपीट होना है उसी को करें, फालतू चीजें ना करें। तो ये लूप हाँ सही ऑप्टिमाइजेशन है, बात। इस साल ऐड हुआ था लाइव वेरिएबल लूप ऑप्टिमाइजेशन वगैरह। तो ये हाँ रविंद्र बाबू के वीडियो बहुत अच्छे निकले थे, मैंने इसी से पढ़ा था। हाँ वो मैंने भी उसी से पढ़ा यार। यूट्यूब पे एक्चुअली फ्री में अवेलेबल थी वो। वही वीडियो में वही मतलब इतने अच्छे से लाइव वेरिएबल को समझा रखा था बाबू सर ने, कुछ भी कहो हाँ, मतलब कोई जवाब ही नहीं था उस चीज का। इतनी जल्दी तो किसी ने, मतलब आपको कोई वीडियो नहीं मिलेंगे जितना सर ने अच्छी तरह टू द पॉइंट जितना आना है उतना ही बताया, बहुत अच्छा बताया था। तो रविंद्र बाबू इस सही में बात जैसे में तो 2015 में एक क्वेश्चन आया था इसका लाइव वेरिएबल्स का, उसकी दो चार वीडियो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अपना कंपाइलर डिजाइन तभी मैंने देखी थी उसकी वीडियोस। तो कोई और वीडियो मतलब कोई और यूट्यूबर था उसने डाल रखी थी, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया सही मायने नहीं में, नहीं ट्रस्ट नहीं मी नहीं बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन अभी जब रिसेंटली ये टॉपिक ऐड हुआ था रविंद्र सर ने नई नई वीडियोज डाली इसकी लाइव वेरिएबल एनालिसिस की, मतलब उन्होंने पहले डाली नहीं थी, नया नया इंट्रोड्यूस किया इन्होंने ये, और अच्छा। बिल्कुल फ्री मतलब सब देख सकते थे जो कि हम दोनों ने देखा। डेफिनेटली बहुत अच्छी वीडियोज थी यार, वही तो, कोई जवाब नहीं था मतलब उनको, लाइव वेरिएबल्स इतने अच्छे से समझ आ गए। एक तो गेट में जब 1 महीना बचा होता है वैसे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा होता है, तो सही उस बात टाइम तो है, टीचर ऐसा चाहिए जो फेमिलियर हो, जो बहुत अच्छा एक पढ़ाता हो। बार में तो घुसा। सही हाँ बात वो अच्छा अच्छे तरह बना सर, बहुत अच्छे थे। एक 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 बिल्कुल। एक इसमें जैसे कि मैं भी बात कर रहा था डीएमए मॉड्यूल में, तो इंटरप्ट की बात कर रहा था मैं, तो लोगों को कंफ्यूजन होता है वेक्टर और नॉन वेक्टर इंटरप्ट में अंतर क्या होता है, नाम ही अजीब हाँ से है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे हाँ में। मतलब ये इसको इसमें पता है ऐसा होता है लोग ना वेक्टर्ड इंटरप्ट और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट नाम से डर जाते हैं कि ये क्या आ गया, बल्कि जबकि बहुत बहुत ही सिंपल और छोटी सी चीज है। जैसे देख जब भी कोई इंटरप्ट हमें पता है कि जब भी कोई इंटरप्ट आएगा उसको सीपीयू एक्सेस कर सीपीयू उसको मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए किसी उसके इंटरप्ट सर्विस रूटीन के पास जाएगा, यानी कि जो फंक्शन जिसमें उसके रिलेटेड ऑपरेशंस होंगे कि भाई हाँ अब क्या करना है। बिल्कुल जैसे क्या फोर्क इधर। इंटरप्ट है कोई तो क्या करेगा वो नया प्रोसेस क्रिएट कर देगा, उसे पता कैसे चला। वही चीज है कि वो सब हमारा इंटरप्ट सर्विस रूटीन में होता है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास जितने भी ये आईओ डिवाइसेस होते हैं ये जब भी वो इंटरप्ट रेज करते हैं, यानी कि हमें बताते हैं कि हाँ भाई हमें ये काम कराना है, तो वो इंटरप्ट रेज करते हैं। अब इंटरप्ट के साथ वो बता देते कि भाई ये है मेरा इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस, सीपीयू भैया ये एड्रेस लेके तुम इस एड्रेस इस पे जाओ, इस यहाँ मेरा इंटरप्ट सर्विस रूटीन तुमको मिलेगा और इसमें मेरे मेरे रिक्वायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म कर दो। अब बिल्कुल ये हो गया वेक्टर्ड इंटरप्ट, यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो एड्रेस है वो इनपुट डिवाइस अपने आप दे देगा कि भाई हाँ ये मेरा एड्रेस है, यहाँ जाके ले लो मेरा जो भी आईएसआर का सामान है। अब नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट जो है बिल्कुल इसके उल्टे होते हैं, इसमें क्या होता है वो बताते नहीं कि हमारा इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहाँ है। इंटरप्ट उन्होंने रेज कर दिया, इंटरप्ट उन्होंने रेज करने के बाद अब सीपीयू कैसे पता चले कि उनका इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहाँ है, कहाँ जाके उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब क्या होगा, वो सीपीयू क्या करता है पोलिंग मेथड का यूज करता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन ढूंढने के लिए, यानी कि एक एक करके वो सबके इंटरप्ट को सर्विस रूटीन को एग्जामिन करना शुरू करता है और फिर जो बिल्कुल उसका होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर वेक्टर्ड इंटरप्ट को जो नॉर्मली जो के हार्डवेयर इंटरप्ट भी कहते हैं क्योंकि आईओ डिवाइसेस से आ रहे हैं वो वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं, इसलिए उनको हार्डवेयर इंटरप्ट कहा जाता है। बिल्कुल दूसरी साइड पर अगर मैं बात करूँ नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट को सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी कहा था। तो इस तरीके से ये दोनों वर्ड मतलब बहुत दोनों जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और इस तरीके से समझेंगे लोग चीज़ों को मतलब हमारे स्टूडेंट चीज़ों को इस तरीके से समझेंगे तो डेफिनेटली उनको कभी भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगी। सही बात है। मतलब इसके तो ऊपर तो वैसे भी एमसीक्यू भी आते हैं, तो कोई हाँ न्यूमेरिकल वाला वही पार्ट तो है नहीं, तो हाँ समझना डेफिनेटली बहुत समझना जरूरी है। सही बात बहुत है, जरूरी। सही बात। वही एक यार एक कॉन्सेप्ट है सीओ में शायद रिजर्वेशन टेबल का, रिजर्वेशन टेबल का उसमें बहुत बच्चे का रिजर्वेशन। रिजर्वेशन टेबल क्या है वैसे, कभी मोस्टली मुझे लगता नहीं वैसे गेट में कभी आया है, पर ये थोड़ा एक बार शायद आया, एक बार अच्छा एक बार वो आया है। याद है सीओ वाला क्वेश्चन जो था एक, उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर था कुछ टेबल का, वो पता नहीं कौन मैंने छोड़ दिया था मैंने कि ये नहीं होगा भाई मुझसे, हाँ एक ही छोड़ बार आया वो, देते ज्यादा आया नहीं है वो, पर हमें पढ़ाया गया था और मैंने देखा था कि बच्चों को नहीं समझ में आया था वो कि क्या है, बहुत कंफ्यूजन था। तो मैंने बहुत पढ़ा देते हैं तो थोड़ा बहुत पता लग रहा है। ऐसा है कि जैसे मैंने बताया था पाइपलाइन के बारे में कि एक इनपुट दूसरी स्टेज पे जाएगा, दूसरी से तीसरी स्टेज पे जाएगा, तो वो क्या वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। पर कभी कभार क्या होता है कि हमारा सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं है, मतलब कहीं भी जा सकता है, थर्ड स्टेज से फर्स्ट पे जा रहा है, फर्स्ट से फोर्थ पे जा रहा है, फोर्थ से फिफ्थ पे जा रहा है। तो हमारे कंप्यूटर कैसे पता लगेगा कि अब जो इनपुट का आउटपुट कौन सी स्टेज पे भेजना है पाइपलाइन प्रोसेसिंग में, तो वो हमारे रिजर्वेशन टेबल बताती है। उसमें मार्क्ड होता है क्रॉस क्रॉस करके कि आपको कहाँ कहाँ अब कौन से इनपुट पर जाएगा। तो रिजर्वेशन टेबल बस इतना ही काम है, रिजर्वेशन टेबल दे रही होती है वो बताता है आप कौन से पे जाना है, पर बच्चों को नहीं पता होता है तो अच्छा। बफर डिले वगैरह जो होता है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं उसका डिले वगैरह, तो गेट में क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है सिर्फ इस वजह से कि आपको रिजर्वेशन टेबल रीड करने नहीं आती थी। तो ये थोड़ी चीजें हैं, मतलब सही थोड़ा बात। पता हो तो फायदा हो सकता है बस ये। और तो सीओई चालू रखते हैं अभी। चलो ठीक है, सीओ पे डिस्कशन करते हैं कुछ थोड़ा और। अच्छा
या आपको तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट तो कौन से वैसे? अच्छा वैसे मेरा सबसे पर्सनली फेवरेट तो कंप्यूटर नेटवर्क्स है यार। नेटवर्क्स काफी क्यों? पसंद है, मतलब बाबू सर से पढ़ा है मैंने नेटवर्क्स। अच्छा अच्छा इतनी वाह। अच्छी से, मतलब यार काफी रियलिस्टिक चीजें, डेफिनेटली बहुत ज्यादा तुम रिलेट कर सकते हो चीजों को। बहुत सही। कंप्यूटर सब सब क्या, राउटर्स हैं, हमें पता है राउटर्स की। अब हम देख रहे हैं राउटर चल रहा है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई अंदर क्या चल रहा है। सही बात तो है, वही नेट दे चीजें रहा है बस। पढ़ने में बहुत मजा आता है यार, कि बहुत पढ़ने में बहुत मजा आता है कि ये हो कैसे रहा है एक्चुअल में। सही बात एक्चुअल है। में तुम जब कोई वेब पेज www.google.com जब तुम लिख रहे हो, तो बैकग्राउंड में चल क्या रहा है वो पढ़ने में बहुत डेफिनेटली मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्क मेरे को पर्सनली थोड़ा पसंद है। रविंद्र अमर पढ़ाई बहुत अच्छी तरह है, बहुत लंबा है बहुत हो अच्छे थे चुके। सही में, बहुत हाँ, अच्छी तरह। वो जैसे इस बार ये हट गया था शायद इंक्रिप्शन का, फायरवॉल वगैरह हट गई थी, तो हाँ, इंस्क्रिप्शन वगैरह हट गए थे। हाँ नहीं मैंने फिर भी पढ़ा था क्योंकि मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट था कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है। तो इसी में तो अभी यही वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्टिंग सा भी है, हाँ, कि इंटरेस्टिंग सा भी कैसे है, मतलब नंबर आ जा रहा है जादू से। हाँ भाई, हम तो बस ऐसे बस फायर वाले बंद कर दो विंडोज में आई, पर अब जब वर्किंग पता लगी तो इंटरेस्टिंग लगा बहुत। डॉस अटैक क्या होता है, अच्छा भाई अटैक ही करते हम तो हैकर हैं, तो ऐसे मजा आता है हाँ, उसमें, अच्छा था हैकर वो। वाली फील आ जाती है। मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है मुझे तो यही लगता है एल्गोरिथम और डीएस, क्योंकि असल में मुझे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग थोड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन करने, अच्छा, तो मुझे डीएस और एल्गोरिथम अच्छा लगता है उस वजह से। और बाकी कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्टिंग था, अच्छा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, एज अ स्टोरी लगा था, जैसे कोई हाँ किताब पढ़ रहा हूँ इंग्लिश की, हिंदी की, कहानी पता लगती जा रही है, हाँ अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता वही 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 ना। है। पर्सनली यार मतलब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं आया है, मतलब मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वही सीखना हाँ, पड़ेगा डेफिनेटली, पर उतना अरे इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि हर कंपनी को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग चाहिए यार। तो वो ये सीखेंगे, मतलब मैं भी अपने सबको कहूंगा कि डेफिनेटली सीखो यार, टाइम रहते इस चीज को सीखो, मेरी तरह गलती मत करना, गेट में सीखते फिर रहो बहुत मतलब रेगुलरली। दस सिलेबस, जब 10 सब्जेक्ट होते तो टाइम नहीं मिलता कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कब करें और सब्जेक्ट डेफिनेटली कब करें। सही डेफिनेटली, बात है, सही बात है। तो सब लोगों को मतलब डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग थोड़ा थोड़ा टाइम अलॉट रखो, रात के टाइम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर लो, सुबह के में। टाइम पढ़ लो अपना, तो वो वही चीज तो है थोड़ी काम। अच्छा चलो ठीक है, हाँ, काटें एक एक काटेंगे, कितना हो गया लंबा हो गया। काटना इसे पॉज कर दो। हाँ तो शिवम यार, एक सीईओ में बहुत इम्पोर्टेंट, जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीईओ में एग्जिस्ट करता है, वो कैश मेमोरी। तो यार कैश अच्छा, मेमोरी के बारे में थोड़ा बताओ। तो कैश मेमोरी क्या है कि गैप ब्रिज करने के लिए, स्पीड गैप ब्रिज करने के लिए, जैसे कि मेन मेमोरी और जो सीपीयू का रजिस्टर है उनके बीच का स्पीड डिफरेंस है ना बहुत ज्यादा है, रजिस्टर बहुत फास्ट है और मेन मेमोरी बहुत स्लो है, तो उसके बीच का जो जब हमें चीजें परफॉर्मेंस करनी होती है, मतलब कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, तो हम डेटा इधर उधर करते हैं रजिस्टर से, कभी मेन मेमोरी, मेन मेमोरी रजिस्टर में, तो हमें असल में बीच में कुछ चाहिए जो स्पीड को, उस स्पीड गैप को पूरा करे, वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी ट्रांजिस्टर यूज करते हैं बहुत सारे, मल्टीपल ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बहुत फास्ट होते हैं, रजिस्टर से स्लो होते हैं, मेन मेमोरी से फास्ट होते हैं, तो ये ब्रिज गैप करने के लिए कैश मेमोरी। और इसकी फिर मैपिंग पॉलिसीज, अगर आपको कुछ नहीं हिट हुआ तो तुम पढ़ाई होगा डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएट मैपिंग, सेट एसोसिएट मैपिंग। डेफिनेट, डायरेक्ट मैपिंग चीपेस्ट है, सेट एसोसिएट मैपिंग बहुत कॉस्टली है, पर सेट एसोसिएट बहुत मैपिंग बहुत जो है कॉस्ट दोनों के बीच का है कि हम कौन सा यूज करेंगे, इनकम। कितना सही रहे। अब बच्चों को मैपिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैंने देखा है, पर मैपिंग में मुझे भी था, तो मैपिंग में मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चन करो बहुत सारे, और एक बार बहुत क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट देखो कि असल में चल कैसे रहा है, कि मतलब एक रविंद्र बाबू का वीडियो था वो भी बहुत अच्छा था जो मैंने देखा था, और एक गीक फॉर गीक मैंने पढ़ा था पूरा फोटो के साथ पूरा डायग्राम के साथ था, कि कैसे असल में स्टोर करी जाती है, मल्टीप्लेक्सर कैसे यूज होते हैं, डिकोडर कैसे यूज होते हैं, वो तो बहुत अच्छा दे रखा था फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन, तो मुझे समझ में आया था कैसे मैपिंग काम करती है। यही है मैपिंग में वही, तो। इसके इसका मतलब क्वेश्चन मैपिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, डेफिनेटली आएगा ही आएगा गेट में, ये मान के चलो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इसका, हाँ, कैश मेमोरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोर है बहुत सीओए का। इम्पोर्टेंट हाँ, कोर जैसे सीओए का। मैं बात कर रहा था कि स्पीड का, तो ये हायरार्की होती है असल में, बच्चों को हायरार्की में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो तुम मेमोरी हायरार्की के बारे में कुछ बताओगे? यार मेमोरी हायरार्की का ना ऐसा होता है कि बेसिकली मेमोरी हायरार्की है क्या, मेमोरी हायरार्की क्या है, कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज डिफरेंट स्पीड के साथ हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसे अब मैं डायरेक्ट, जैसे कि तुमने पहले से कहा कि डायरेक्ट हम मेन मेमोरी से रजिस्टर की इनकी स्पीड में बहुत, डाटा ट्रांसफर रेट में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो बीच में हम क्या करते हैं कैश मेमोरी को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरीके से बीच मतलब ये जो मेमोरीज को अरेंज करने का तरीका है यही मेमोरी हायरार्की है। जैसे तुमने पहले सेकेंडरी मेमोरी करी, उससे डाटा तुम्हारा मेन मेमोरी में आएगा, सही उसके बाद बात है, तुम्हारे पास कैशेज आ गए, उसके बाद तुम्हारे पास रजिस्टर्स आ गए, तो डेफिनेटली एक नेट पिरामिड टाइप बना दिया, जिसकी जिसमें जो तुम्हारी साइज है वो साइज ऊपर जाते हुए डिक्रीज करेगा। डेफिनेटली कैश बहुत छोटी होती है, मेन मेमोरी उससे बड़ी होती है, सेकेंडरी मेमोरी उससे ही बड़ी होती है, तो
उसकी मतलब साइज तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वो डेफिनेटली डिक्रीज करेगा, सही पर बात जो डेटा ट्रांसफर का रेट है वो भी ऊपर, जब जब तुम ऊपर जाओगे तो वो इंक्रीज करेगा। सही बात, जैसे मेन ये तो मेमोरी से डाटा ट्रांसफर करना बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो यही मेमोरी सही हायरार्की है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस यही है कि हमें जो है डेटा ट्रांसफर रेट को बूस्ट करना है, जितने फास्ट हम डेटा ट्रांसफर कर पाए उतना अच्छा। अब तुमने कोई चीज़ को रेफर करा सेकेंडरी मेमोरी से, अब वो चीज़ सेकेंडरी मेमोरी से उठ के अगर कैश में आ जाएगी तो पहली बार में तुम्हें बहुत टाइम लगा सेकेंडरी मेमोरी से लाने में, पर दूसरी तो बार में तुमने कैश में ला के रख ली वो चीज़, फास्ट होगा। अब क्या होगा उसका, तुम वापस सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाओगे, तुम कैश से लेके आ जाओगे वापस, तो वही डाटा ट्रांसफर रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है इस चीज़ से। सही बात है, तो यही मेमोरी हायरार्की का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। इसी पे क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली सारे, मैपिंग वैपिंग के। हाँ, सही बात मोस्टली सारे इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। है। तो ये मतलब ये जो एक तो मैंने सुना कि लेवल्स जो होते हैं कैश में, बहुत सारे लेवल्स भी होते हैं, तो ये लेवल्स का क्या सिग्निफिकेंस है यार ऐसा है कि मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया कि कैश क्या है, ट्रांजिस्टर से मॉडर्न बना है, ठीक कंप्यूटर्स में? है। मतलब लेवल्स बहुत होते हैं ना। मॉडर्न कंप्यूटर्स में पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही कैश होता था। अब जैसे आप देखोगे, कभी देखना, लोगों को पता नहीं होता, कभी अपने बायोस में जाके देखना, देखा होगा लेवल वन कैश, लेवल टू कैश। लेवल वन कैश स्पीड सबसे हाई होगी, लेवल टू किससे कम होगी। ये लेवल क्यों इंट्रोड्यूस किए गए, क्योंकि कैश क्या है, ट्रांजिस्टर से बना है और ट्रांजिस्टर स्पेस लेते हैं। अगर कैश का साइज में बढ़ाऊंगा ना, तो कैश कहाँ होता है, सीपीयू और एएलयू के साथ में रखा होता है। जब हार्डवेयर में, हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ रियल में, तो असल में वहां इतनी जगह नहीं होती है तो कि आप कैश साइज बढ़ा पाओ। कैश साइज बढ़ा जितना उतना अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा कैश रखते हैं, और जैसे आपने मेमोरी हायरार्की बताया, हायरार्की में कैश को ही दो में डिवाइड कर दिया, L1 कैश और L2 कैश। लेवल वन कैश फास्ट है, लेवल टू कैश फास्ट है, उससे थोड़ा स्लो है पर मेन मेमोरी से फास्ट है। तो बस लेवल में बढ़ा दिया ताकि स्पेस जो है अपने हार्डवेयर में वो ऑप्टिमली ऑप्टिमाइज हो पाए। तो ठीक है कैश का, तो बाकी कैश में ये है कि कैश रियल चीज है क्या? कैश तो हमने बता दिया स्पीड का क्या है, पर असल में कैश में होता क्या कि हिट रेशियो, मिस रेशियो और ये सब कैसे किया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हिट रेशियो, मिस रेशियो का आप बिल्कुल कुछ देख, बताइए। ऐसा होता है ना कि जब हमने कोई भी चीज़ कैश में ला के रख दी, अब मतलब सारा डाटा तो कैश में नहीं आ सकता, डेफिनेटली छोटा है, तो सही जितने बात। भी डाटा कैश में है, अब हमें कोई डाटा चाहिए वो अगर हमें कैश में मिल गया तो हम उसको क्या कहेंगे, वो एक हिट हो गया, यानी कि सही वो हमें बात। कैश में मिल गया। अब अगर वो हम कैश में ढूंढ रहे और वो चीज़ पर्टिकुलर हमें कैश के कंटेंट में नहीं मिली तो उसे हम मिस कहेंगे। वैसे इसी इसी टर्म्स में रेशियो, इसी को रेशियो में बदल दिया गया है बस। मतलब ऐसा परसेंटेज, हिट रेशियो का क्या है, नंबर ऑफ हिट्स, यानी कि जितने भी तुमने टोटल रेफरेंसेस करे हैं उसमें तुम्हें कितने हिट्स मिले। अगर सही है। तुमने 100 रेफरेंस करे और तुम्हें 70 हिट मिले तो तुम्हारी डेफिनेटली कैश का हिट रेशियो क्या है, 70% है, 0.7 है। अच्छा। ऐसी तुमने 30 जो हुए वो मिस हो गए तो वो तुम्हारा मिस रेशियो हो गया, 30% तुमने मिस कर दिए वो तुम्हारा मिस रेशियो हो गया। इस तरीके से मतलब चीज़ों को सिंपल वे में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन को बहुत तेजी से सॉल्व करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। ये मतलब छोटे से कॉन्सेप्ट है हिट रेशियो और मिस रेशियो, बट इसमें बच्चे कभी कभी कुछ कंफ्यूजन कर जाते हैं। चल उठ जा, जोर दे।